जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नाउन को कवर किया था, ठीक है साथियों, क्या चीज नाउन को कवर कर लिया था। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउन नंबर को पढ़े। देखो, ये जो नाउन नंबर है, नाउन नंबर एक्चुअली हम नाउन नंबर क्यों पढ़े, स्टार्टिंग क्यों करें नाउन नंबर को, जबकि हमारे किताबों में प्रोनाउन दिया होता है। सारे जगह नाउन के बाद प्रोनाउन ही पढ़ाया जाता है, मोस्टली देखा जाता है। साथियों, आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अवंतिका जी कमेंट कर दी, यस सर यस सर। भाई देखो, 30-40 लड़के जुड़ने से, हमारी तो लाइव क्लास में जुड़ने से काम नहीं चलने वाले। ये हमारी कोशिश ये रहती है कि मोर देन 100 प्लस लड़के जुड़ने चाहिए, तो कुछ एनर्जी आती है, समझ रहे हो ना। चेहरे जो देखो, चेहरे पर स्माइल आती है, और जब इस चेहरे पर स्माइल आती है तो आपके लिए बेहतर करने की प्रयास कर, समझ रहे हो ना। तो बताओ, सभी को जुड़ जाओ, जल्दी से सेशन को शेयर करो, ठीक है। बिना सेशन को शेयर करें मज़ा नहीं आएंगे। एंड आज हम लोग नाउन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। लोग थोड़ा इसे बढ़िया से कर दूँ, वो अजीब टाइप से लिखा गया। तो देखो, नाउन नंबर हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में जानो। बहुत खूब सेशन को लाइक कर दिया, अच्छी बात है साथियों। अभी 20 से कुछ काम नहीं चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी साथियों, कम से कम 50 प्लस तो करो यार, श्रम करो कम से कम। मैं कभी नहीं बोलता कितने बच्चों को जोड़ो, आज बोल रहा हूँ अपने मुखों से, आज बोल रहा हूँ भाई, इतने लड़के से काम, हमारी भी कुछ मजबूरी है, समझा करो, कम 50 प्लस किया करो, ताकि हम अपने बेहतर कंसेप्ट आपको दे सकें। क्या हो सके साथियों, हम अपने बेहतर दे सकें, बेहतर से बेहतर कर प्रयास हम करें। आ जाइए, हम नाउन नंबर को साथियों स्टार्ट क्यों करें, हम ये जानना चाहते हैं कि सर आप कह रहे हो कि नाउन नंबर, बहुत सारे बुक में सिर्फ यही नंबर ही डाले होते, बहुत सारे बुक में नंबर लिखे होते, जनरली देखा जाती है नाउन नंबर में। नंबर किसका बनाते हैं, नंबर का मतलब होता है कि संख्या, यानी किसी भी चीज़ को सिमिलर से प्लूरल करना, यानी कि एक वचन से बहुवचन करना। नंबर का इंग्लिश में देखो, एक मैथमेटिक्स में नंबर का मतलब होता है गिनती। बताओ, नंबर का मैथमेटिक्स में गिनती ही होता है ना, आप सब पढ़े हो ना भाई, इतने होशियार हो। नंबर मैथ में गिनती बोलते हैं नंबर को, पता है ना। आज लेकिन इंग्लिश में ये वचन बोला जाता है, क्या बोलते हैं नंबर को, हम लोग वचन बोलते हैं। इन इंग्लिश नंबर इज कॉल्ड वचन, एक ग्राम इंग्लिश की दुनिया में नंबर को वचन बोलते हैं। वचन वन ही राम जी वाला जो दशरथ जी वचन दिए थे, वो वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे राम जी 14 वर्ष को, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो वचन की बात हम नहीं कर रहे हैं सर। हम ऐसा वचन की बात कर रहे हैं जो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करें। देखो आ जाओ, जो नंबर होते हैं, बहुत सारे बुकों में नाउन नहीं रहते, सिर्फ नंबर रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाती है नाउन नंबर होते हैं। और आपके साथ तो दिमाग में आ जाएगा, सर आपने नाउन पढ़ा दिया, एक्सरसाइज भी करवा दिया, सर आपने प्रोनाउन क्यों नहीं पढ़ाया। देखो, यदि मैं प्रोनाउन पर चला जाऊँगा तो आपको दिक्कत होंगे, वर्ब का यूज करना, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसके साथ आर्टिकल लगेगा, कौन सा पार्ट है, ये सारी बहुत सारी भी चीज़ें बची हैं जो आपको नंबर में मिलेंगे। नंबर के बाद जेंडर पढ़ लोगे, फिर पर्सन पढ़ लोगे, तो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एरोलो 60% इसी सब में कवर हो जाएंगे। फिर आप इसका प्रोनाउन पढ़ना, बढ़िया तरीके से प्रोनाउन सिखाओ, लेकिन नंबर सीख लो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं जो कुछ ही पढ़ाऊँ मैं आपको, समझ रहे हो साथियों, बढ़िया बढ़िया सा कमेंट कर दो साथ, शेयर करो यार, बस नहीं जाए अभी तक, क्या बात है, कर लो, आ जाओ लोग, तो चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। देखो, एक्चुअली जो आपका नंबर है ना, नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपने पार्ट में साथियों दो पार्ट, ठीक। तो पहला जो था हमारा वो था सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नम, ये सबको पता है ना, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सबको पता है ना साथियों, बताओ सिंगुलर नंबर सबको पता है ना,
किस किस को पता नहीं हो, बताएगा भाई कमेंट कर करके भाई, सबके कमेंट भाई, कमेंट की जुगाड़ करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, सबको पता है ना सिंगुलर नंबर। और एक होता है साथी आपका प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। पहला होगा आपका सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल। यहाँ तक किसी को आपत्ति है भाई, वंतिका जी बहुत अच्छे, अंकित और कौन है भाई साहब, बहुत खूब, सभी का बहुत दिल से स्वागत है आपका। देखो सिंगुलर मतलब क्या होता है, देखो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैं लाइव में बच्चों को कमेंट करता हूँ तो हमारे जो स्टूडेंट है ना बहुत वीक है, और मैं इनकी जड़ पे काम करना चाहता हूँ। तो देखो सिंगुलर में सारे चीज़ को हिंदी में लिखवा देता हूँ आपके लिए। जो सिंगुलर होता है ना इसका मतलब होता है एक वचन, समझ रहे हो ना, इसका मतलब होता है एक वचन। और ये प्लूरल है इसका मतलब होता है बहुवचन, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है साथियों, एक वचन इसका मतलब होता है बहुवचन, समझ रहे हो ना। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं ना है भाई, बताओ किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना आ जाओ। अब सिंगुलर किसे बोलते हैं, देखो जो यहाँ पर समझना, जो गिनती में, जो गिनती में जो काउंट, सॉरी यहाँ पर लिख लो, जो काउंटिंग में, गिनती नहीं लिखो, जो काउंटिंग में एक हो, जो काउंटिंग काउंटिंग में या संख्या में, संख्या में एक, यानी कि हिंदी में बोलो तो एक हो, उसी को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। जो काउंटिंग में, यानी कि जैसे मेरे पास क्या एक, काउंटिंग इसका करेंगे तो कितना एक मार्कर, अब जैसे मैं यहाँ अब मेरे पास कितने मार्कर हो गए तीन, ये प्लूरल का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इन दोनों को रख देता हूँ और मैं पूछूंगा मेरे पास कितने हैं तो एक, तो काउंटिंग में एक होता है वो सिंगुलर होता है। और एक बात याद रखना, प्रॉपर नाउन आपका हमेशा आजीवन जीवन भर क्या होता है सिंगुलर होता है, उसका कहीं प्लूरल नहीं बनता, प्रॉपर नाउन होता है। पहले बात भेजा में गुस्सा, अब देखो नोट में डालना, इसमें आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता। मैंने क्या बताया, जो काउंटिंग में एक हो सिंगुलर होगा, तो काउंटिंग में एक हो सिंगुलर होगा, और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये बात किस किस को समझ में आ गई, किस किस नहीं आई, मुझे साथियों कमेंट करो, साथियों मुझे कमेंट की आपकी ज़रूरत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरे सारे विद्यार्थी सीख रहे हैं। बताओ यहाँ तक किसी को आपत्ति हो रही है क्या, तो काउंटिंग में एक हो सिंगुलर होंगे, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ तक तो बात में दिक्कत किसी चीज़ को, कोई चीज़ का प्रॉब्लम, अनकाउंटेबल नहीं जानते हो, जैसे साथियों देखो यहाँ पर नहीं दिखाई देता, यहाँ पे आ जाओ, जैसे ऑयल, ऑयल भी अनकाउंटेबल है, मिल्क, गोल्ड, अब गोल्ड को गोल्ड नहीं कर सकते, गोल्ड ऑलरेडी आपका सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, गिनने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप प्रॉपर नाउन भी देखो, यहाँ पे अनकाउंटेबल में क्या प्रॉपर नाउन भी आता है, समझ रहे हो ना, मटेरियल भी आता है, अब्स्ट्रैक्ट भी आता है, अनकाउंटेबल में साथियों आपका मटेरियल भी आता है। देखो यार समझो, यहाँ पे ये जो अनकाउंटेबल होता है इसमें प्रॉपर भी आ जाता है, तो मटेरियल भी आ जाता है। मैंने बताया था कि प्रॉपर क्यों आता है, ये चीज़ आपको जो न्यू बच्चे आज जुड़े होंगे, ज्वाइन हुए होंगे, उनको दिक्कत होंगे कि सर मैंने आज तक हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ा प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल में जाता है, हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं। लेकिन साथियों मैंने इसकी सारी कंसेप्ट और सारे तमाम रूल मैंने बताया है, आप करना ये होगा, आप जाए और उस वीडियो को देखें, समझ रहे हो ना, वीडियो को देखें, प्ले लिस्ट में जाना होगा आपको, साथ प्ले लिस्ट में जाओ तो को देखो, इसे मैटेरियल ही बताया था।
और अब्स्ट्रैक्ट भी, जो आपका अब्स्ट्रैक्ट होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो भी आपका अनकाउंटेबल में ही आता है। वो भी क्या होता है साथियों, आपका अनकाउंटेबल में आता है। चलो ये बात समझ में आ गई, सिंगुलर जिससे काउंटिंग में एक हो तो सिंगुलर सिंगुलर नंबर बोलते हैं, अनकाउंटेबल जो होता है वो भी सिंगुलर नंबर में आता है। अब आ जाओ बहुवचन किसे कहते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, संख्या में एक से ज्यादा होगा कि हम प्लूरल नंबर बोलेंगे। कि भाई को आपत्ति हो तो बताओ कमेंट सबके देख लूँ भाई, बहुत बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत अच्छा। बताओ इसमें मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा वो प्लूरल नाउन, में एक से ज़्यादा संख्या हो तो प्लूरल नंबर बोल, समझ गए। अब देखो ये चीज़ें नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करो, जल्दी कीजिए सभी साथियों, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ बहुत खूब अच्छे नोट डाउन कर लिए। अब हम यहाँ पे समझने के प्रयास करेंगे, कुछ कंसेप्ट टर्म्स को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म्स समझेंगे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है साथियों। आ जाइए, अब तो एक चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि सर आपने बताया कि मोर देन वन होगा लोग बोलेंगे, संख्या में एक होगा उसे सिंगुलर बोलेंगे, तो सर मैं सिंगुलर से प्लूरल किस चीज़ को बनाऊंगा, तो वो सिर्फ काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। किसका? काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे गिनने की जरूरत पड़े, गिनने की जरूरत पड़े उसे काउंटेबल कहते हैं, और जिसे गिनने की जरूरत नहीं पड़े उसे अनकाउंटेबल। ये सारी आपकी जो नाउन के क्लासेस में, इसीलिए नाउन पहले पढ़ना था और जस्ट इसके बाद नंबर पढ़ा था, लेकिन बुकों में अलग दिया है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए। चलिए, क्योंकि नाउन सीखते हो तो आपको उसकी जेंडर भी, नंबर भी आना चाहिए, तभी तो जल्दी जल्दी कोई चीज़ उससे वो रिलेट करके जब सीखोगे ना अच्छे से सीखो। आ जाओ हम इसका, तो हम काउंटेबल नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल बनाते हैं। हम किसका प्लूरल बनाते हैं, तो हम काउंटेबल नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल करते हैं। समझ लो ना, काउंटेबल नाउन जो होता है आपका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हो सकता है। ये बातें समझ में आ गई, किस किस को समझ में आई, किस किस नहीं आई बताओ, किस किस को समझ में आ गई, किस किस भाई। सिंगुलर मतलब देखो यार, देखो सिंगुलर का मतलब जैसे लिखोगे तो बॉय, कैसे लिखा बॉय, किसी का हम अगर प्लूरल में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बॉयज हो जाएगा। नहीं जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहे हो साथियों, अपने बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, अपने भर भर के क्लासेस पढ़े होंगे, ये पता नहीं है, लेकिन हाँ हम यहाँ पे थोड़ा कुछ किताब को जो नॉलेज होता है उनसे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर सोच, और इस कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं वो चीज़ें किताब में तब के भरे पड़े हैं, किताब में तो है ही, लेकिन किताब से थोड़ा हटके सीखने में कुछ अलग ही अंदाज आता है। समझ गए, इस सबको मिटा दूँ, सबको मिटा दो, बताओ साथियों, नोट डाउन से करो, सारी एक एक चीज़ बारीकी से करो। देखो पीडीएफ में तो मिलेगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर बताऊँगा साथियों वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, क्योंकि रूल का सोल्यूशन नहीं होता, रूल का एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन कर लो, और क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, जब क्वेश्चन रहेगा तो उसका सोल्यूशन कराया जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को आपको नोट करना है, समझ लेना। बुकों में एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर रूल दिए जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बातों को सुनो बढ़िया तरीके से और इसे नोट डाउन करो, ताकि आपके जब सुन रहे हो एक बार काम होगा, जब इसे नोट डाउन करोगे पढ़ोगे, फिर नोट डाउन करोगे दो बार, और फिर एक बार इसे रिवीजन करोगे, तो तीन बार आपको तीन बार रिकॉल कर रहे हो, नोट डाउन करो, समझ गए। अब इसे हम कुछ रूल समझेंगे और यहाँ से आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, कह रहा हूँ साथियों, नंबर पढ़ने से आपको एकदम लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मन भी लगेगा, और क्वेश्चन मतलब चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन इसका। लेकिन नंबर जितना आसान दिखने में लगता है, बोलने में आसान लगता है, उतना होता नहीं है। ज़रा से भी इसमें मिस्टेक करोगे फिर आपको बहुत सारे परेशानियाँ,
समझ रहे हो ना, इसलिए बारीकी से सारे चीजों को समझना यानी कि प्रयास करना। रूल पहला कहता है हमारा, रूल फर्स्ट कहता है कि 90% केस में, क्या चीज साथियों, 90% केस में ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ केस लगा करके, देखिए अब जो 90% हम नंबर की बात, 19 मतलब 90, फिर 90% ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम सिर्फ उनके अंत में, देखो रूल फर्स्ट लिखो, कभी रूल फर्स्ट लिखोगे तो बढ़िया तरीके से रूल फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में क्या लिख सकते हो, बाई एडिंग एस टू मेक प्यूर, ठीक है। हम ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर मतलब केस ऐसे आते हैं हमारे पास, मतलब 19% केस में हम सिर्फ एस लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे एस, आप कहोगे सर नाउन में लगाएंगे, लेकिन कौन सा नाउन में लगाएंगे, एक प्लूरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, कहाँ पे लगाएंगे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल, इसीलिए मैंने बताया था नंबर जो दो पार्ट में डिवाइड किया था तो वहाँ पर सिंगुलर भी लिखवाया था काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल। लेकिन काउंटेबल में दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, समझ लो ना। हम कहाँ पे इसका यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल में जब हम बनाएंगे तो किस में एस लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम जो एस लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल। अब ऐसा कोई बच्चा होगा, ऐसा ही कोई बच्चा होगा तो पुलिस क्या होता है, पुलिस बताना, पुलिस आपका प्लूरल है, लेकिन मैं सही बताऊँ साथियों, बहुत अब तो आर्टिकल में सही आते हैं, पहले पुलिस इज लिखा होता, नहीं पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आल होगा। क्यों भाई, पुलिस जब भी आती है तो अकेले नहीं आती, कभी भी पुलिस आती है तो मोर देन वन आती है, कभी भी मिलाना, कभी ऐसा भाई कहोगे कि बाइक पे आते होंगे साथियों, उनके साथ भी एक साथ में आता है पुलिस, फिर भी हम लोग पुलिस की कैटेगरी में रखते हैं, कहीं भी जनरल वे में देखते हो कहीं कि पुलिस अकेले जाती, नहीं पुलिस जो वर्ड है वो अपने साथ दो तीन लोगों को लेके आती है, तो पुलिस जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल है। तो अब उसमें आप सोचो कि प्लूरल में हम इस लगा करके हम उसे तो नहीं बना सकते, तो वही तो हुआ कहानी, वो हो गया ना क्वालिटेड, वो प्लूरल है फिर उसे हम प्लूरल बना रहे हैं, वैसा नहीं होगा। तो सिंगुलर हो उसमें एस लगाएंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डॉग, तो डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, क्या करते कर सकते हैं साथ ही, इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे काऊ लिखा, तो इसका प्लूरल बनाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि हमने जब आपको कॉमन अन पढ़ाया होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको ना कि जो जनरल फॉर्म में जिसको हम लोग नाम को बोलते हैं उसके बारे में अनजान है, उसके नाम को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, और कॉमन नाउन में अपने डॉग ही पढ़ा होगा, कहीं में सुनते हैं ना दो चार कुत्ते हैं, कुत्ते तो यानी कि मोर देन वन, वहाँ पर तीन चार कुत्ते होंगे, लेकिन अकेले बोला कुत्ता तो वहाँ पर सिंगुलर होंगे, सिंगुलर यानी कि गिन सकते हैं लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जिससे हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, ठीक है, हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जैसे डॉग को बनाओगे तो क्या करना है, एस लगा देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, डॉग्स, समझ रहे हो ना। जैसे ये सिंगुलर है तो हमको प्लूरल बनाना है तो सिर्फ एस लगाएंगे, कितने परसेंट में, 19% केस में ये चलता है, 90% में सिर्फ एस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे हमें रूल पढ़ना पड़ता है, नहीं तो 90% हमें एस लगाकर ही काम चल जाता है। जैसे काउ का हम बनाना चाहें तो हो जाएगा काउच, ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, समझ रहे हो ना, ये आपका सिंगुलर, ये आपका प्लूरल, लिख लो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पेन, जैसे आप 5 रुपए का पेन खरीदने जाते हो, एक पेन मांगते हो तो यानी कि वो सिंगुलर हुआ, जैसे कहते हो मुझे पेन का पैकेट दे दो, यानी कि मोर देन वहाँ पर वन होता था, पेन्स बोलते हो, क्या बोल सकते हो, पेन्स, वहाँ पे ये पेन्स क्या हो जाएगा, PENS, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है आपको, और इसका बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराना था, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉन्की, MONKEY, यहाँ पे हो जाएगा MONKEY। अब इस ये भी बताऊँगा, अब बहुत सारे आप बुकों में पढ़े हो वाई के, वाई को हम लोग IS में चेंज करते हैं, लेकिन फिर आप यहाँ पे एस क्यों लगाए, तो ये सारे रूल बताऊँगा, ये रूल पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन समझो ज़्यादातर केस में, यानी कि 19% केस में एस लगा करके हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं।
जब आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, हिंदी वाले भाई लिख सकते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादातर नाउन में एस लगाकर हम लोग बहुवचन में बनाते हैं। देख लो फिर से, ज़्यादातर ज़्यादातर नाउन में एस लगा करके हम उसे प्लूरल बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते होंगे, वो कहेंगे सर एस कहाँ लगाएंगे। साथ ही मैं इतने टाइम से बता रहा हूँ, जब एस लगाओगे एंडिंग वर्ड के अंत में एस लगाओगे, मत रो ना, वर्ड के अंत में एस लगाओगे। ऐसा तो कोई नहीं ना कि वर्ड के पहले एस लगा देगा, ऐसा कोई तो है तो नहीं ना भाई, कमेंट करके बताओ भाई, ऐसा कोई दिमाग लगाता हो भाई। जब भी किसी चीज़ का प्लूरल बनाते हो या कोई चीज़ जोड़ते हो, अच्छा बताना रेलगाड़ी, देखो ना रेलगाड़ी, ऐसा कोई व्यक्ति है इंजन के आगे अपना डब्बा लगाते हुए देखा होगा भाई, उसके इंजन के पीछे ना डब्बा लगेंगे, जो आपका ये गाड़ी का जो पीछे जो होगा वही भी ना एस लगाओगे। अरे साथ ही इनको जोड़ने के लिए, इन्हें भाई बड़ा करने के, देखो ये पहले अकेले था, अब इसको हम तीन चार करना चाह रहे हैं, यानी कि वन एक से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ट्रेन का एक इंजन है, देखो यहाँ पे समझो, एक ट्रेन का इंजन है भाई ये गोला करना, और इसमें आप जोड़ना चाहते हो तो इसके पीछे ही ना जोड़ोगे, आप डब्बा को पीछे ही ना जोड़ोगे तभी तो हो पाएगा। और उसका आगे जोड़ दोगे तो भाई समझ में ना, फिर ये बेकार हो जाएगा, मतलब वो एक अच्छा फॉर्म नहीं तैयार होगा। उसी तरह आप जब भी आपको दो कुत्ता बनाना चाहते हो, एक कार से मोर देन वन बनाना चाहते हो, उसके अंत में लगाओगे। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, चाहते हो हर तरीके से समझने का प्रयास करना, क्योंकि आपका जो समस्या है ना, समस्या का समाधान हर तरीके से आता है, कैसे आपको प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करना है। तो देसी तरीके से भी समझ गए होंगे कि हम कभी भी किसी भी वर्ड के, जब भी हम प्लूरल बनाएंगे कोई भी वर्ड हो, अब कुछ ऐसे केस होते हैं मैं बताऊंगा, जैसे वाशर मैन वाला बात आ जाता है, कर मैन वाला, समझ रहे हो ना, चाहे मैन 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 डॉक्टर, वुमेन पुलिस मैन, जैसे पुलिस मैन, वुमेन पुलिस, ये सब जो केस आते हैं वहाँ पर बताऊँगा कैसे होता है। लेकिन जहाँ पर एस एस लगाते हो उन केस की बात करूँ, जब भी लगाओगे प्लूरल बनाने के लिए तो उनके अंत में लगाओ, तो कैसे से बताऊँगा उसके भी कंसेप्ट इन नोट डाउन कर लो कि ज़्यादातर नाउन में एस लगा करके उसका हम प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन बनाते हैं। और ये एग्जाम्पल नोट डाउन, इतने प्यार से इतनी खुल से कोई नहीं बताएगा साथियों, समझ लो ना, और इतने सारे तरीके आजमा आजमा। आ जाओ सेकेंड नंबर रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी साथियों, जल्दी नोट करो जल्दी, बहुत खूब पढ़ लिए। चलो रूल टू की तरफ चलते हैं, हम लोग दूसरा रूल देखेंगे और वो भी बहुत प्यारा है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्या करते हैं, सारे 90% बच्चे इस वाले रूल में फंस जाते हैं, ठीक है। उससे बहुत सारे बुक वालों ने उसका जो कंक्लूजन है नहीं निकला है बुकों में, लेकिन अब शायद कुछ बुकों में उसका कंक्लूजन निकाला गया है, पहले नहीं निकाला गया था, आज से 2018-19 की बात करें तो नहीं निकाला गया था। लेकिन मैंने 21 का जो बुक देखा ना, 2021 में जो एडिशन अभी चेंजिंग हुआ था, वहाँ पर इसका सुधार किया गया है, समझ रहे हो ना। आ जाओ, इससे एक रूल हमारा ये कहता है, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जो कि एस, यहाँ पे मैं लिखवा दूँ रूल टू, लिखूँ रूल टू। अब देखो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में एस है भाई, एस एस एच डबल एस टी एच एक्स और जेड, ये वर्ड लगे होते हैं जिनके अंत में, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस एस एच डबल एस, समझ लो ना, एस सिंगल एस हो गया, सी एच और जेड, इन वर्ड से क्या करते हैं समाप्ति करते हैं भाई। कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा लेकिन मैं बोल के लिखवा, लेकिन ऐसे समझो, जिनके अंत में एस एस एच डबल एस सी एच एक्स जेड लगा हो, उनको हम लोग कैसे बनाएंगे, उनके अंत में उनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं ई एस लगा कर बनाते हैं, उसके जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ई और एस जो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, क्या करते हैं साथियों, इसके हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जिसके अंत में एस एस एच डबल एस सी एच एक्स जेड लगा हो, उसके अंत में हम लोग
एस लगा करके हम उसका न्यूट्रल फॉर्म तैयार करते हैं। जहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा तो बताओ, इसके एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। जैसे आ जाओ, जैसे आ जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मैं दे दूँ। क्लास देखो, यहाँ पर डबल एस है, ये वाला क्लास में क्या करोगे, जैसे ए सिंगुलर है, ठीक है, आप इस तरह का डब्बा बना लेना और डब्बा बना करके सारी चीज़ों को लिखना, क्योंकि ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सी एल ए डबल एस। अब जैसे ही डबल एस देखा हमने, तो क्या कर देंगे, ई एस लगा करके हम लोग क्लासेस कर देंगे। क्यों, कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ऐसा तो नहीं एक ही क्लास हो, उसमें एक ही क्लास थोड़ी रहता है सर, मोर देन टू, वर्ग एक, वर्ग टू, वर्ग थ्री, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, भाई टेंथ तक, दसवीं तक रहता था, दस क्लास हो जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हो तो उसे क्लासेस बोलेंगे। समझ गए, समझ रहे हो ना। जैसे फॉक्स, इसके एग्जांपल तो हो जाएंगे फॉक्सेस। भाई फॉक्स मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट करके साथियों, कमेंट करके बताओ साथियों, जल्दी से बताओ। तो बहुत 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 आ जाओ, जैसे गैस, जैसे गैस बताओ, गैस में क्या है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला रूल एस है तो एस लगा देंगे। समझ लो ना, क्या हो जाएगा साथियों आपका, गैसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, गैसेस हो जाएगा। बताओ समझ लो, अब जैसे बेंच, बी ई एन सी एच, क्या हो जाएगा साथियों, बेंचेज। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं उनके अंत में सी एच, एच, डबल एस, ये सारे जो वर्ड आते हैं, जो तमाम वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनसे समाप्ति करे कोई भी वर्ड, समझ लो ना, वो का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ई एस का यूज करते हैं। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ साथियों, जिसके अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड लगा हो, तो उसका हम जब प्लूरल बनाएंगे, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल, क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगाते हैं। जैसे क्लास का क्लासेस, फॉक्स का फॉक्सेस, गैस का गैसेस, बेंच का बेंचेज। यहाँ तक किस किस का कंसेप्ट क्लियर होगा, जल्दी बताओ, बताओ साथियों, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सी एच कहाँ गया, सी एच बेंच, इसमें आपको कंफ्यूजन होंगे, देखो समझो। जैसे मैंने एक वर्ड लिख सकता हूँ साथियों, स्टोमेक। अब बताओ इसमें एस, एस लगाओगे कि एस लगाओगे, स्टोमेक, इसको पढ़ते हैं स्टोमेक, क्या पढ़ते हैं साथियों, इसको स्टोमेक, जल्दी बताओ, एस टी ओ एम ए सी, इसमें एस लगाओगे या एस लगाओगे, जल्दी जल्दी बताओ। देखो साथियों, में लगेगा एस, यही बात है, आपको कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो यहाँ पढ़ लिया, हाँ सर सी एच के साथ, अगर सी एच है तो हम लोग ई एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखवाया है रूल, एच होगा तो हम एस, ई एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताओ स्टोमिक, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, स्टोमिक, स्टोमच नहीं होता, स्टोमिक होता है, बताओ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ साथियों, एस लगेगा इसके साथ, क्यों लगेगा ये भी बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टोमिक्स होगा, क्यों लगेगा, अब समझो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जब हम सी एच की बात करते हैं, जब हम क्या चीज सी एच की बात करते हैं और इसका प्रोनंसिएशन, अब बताओ किस किस को पता नहीं है कि प्रोनंसिएशन मतलब क्या होता है, हमें कमेंट करके बताओ, किस किस विद्यार्थी, हमारे ऐसे कितने सुंदर विद्यार्थी हैं, प्रोनंसिएशन, पहली बात है पी ऐसे निकलना, डबल लिप्स जो अंदर जाना चाहिए, प्रोनंसिएशन के हिंदी, प्रोनंसिएशन मतलब होता है क्या है साथियों, को जानकारी के लिए बता दें, प्रोनंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, किसी भी शब्द को जो उच्चारण करते, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सी एच है, सी एच के अगर उच्चारण करते हो, अगर क आता है, क्या क उच्चारण किया तो क आएगा, अगर उच्चारण करते हो तो च आता है, दो के से राइज होता है, सी एच का उच्चारण क भी आता है, एक च भी आता है, जब आप सी एच का उच्चारण क आएगा, आप उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाओगे,
बाकी साथियों एस, जैसे मैंने स्टोमिक बताया था ना, यहाँ पे स्टोमिक स्टोमिक पढ़ रहा था कि मैंने यहाँ पे एस लगाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एस ऐसे ही लगा दिया, जैसे एक और यहाँ पे अगर उच्चारण आ रहा है तो इसके साथ क्या लगाओगे, ई एस। जैसे बेंच, बेंच समझ ना, बेंचेज का उच्चारण सी एच के क्या रहता, च आ रहा था तो ई एस लगाए हैं, अगर इसका उच्चारण क आएगा एस लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ, किस किस को नहीं समझ में आ रहा पहले बताओ। साथियों मैं ये कह रहा हूँ अगर सी एच का उच्चारण क, ख ग पढ़े हो ना, क ख ग घंग जो पहला क बोलते हो ना वो से उच्चारण है, ठीक है। स्टोमिक क करण, जब क आएगा तो एस लगाएंगे, अगर च आएगा तो लगा देंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। आप देखो एक इसके एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मोनार्क एग्जांपल ले लो, एम ओ एन ए आर एच, ये सी एच को क पढ़ेंगे, जब इसका हम लोग मोनार्क का प्लूरल बनाएंगे, मोनार्क का हम प्लूरल बनाना चाहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इसका मोनार्क, सिर्फ एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका उच्चारण क है, इसका जो उच्चारण है क है। ये रूल टू किस किस को समझ नहीं आ गया, किस किस भाई को हमको समझ नहीं आया, कमेंट कर दो, चाहूँ तो मैं इसे फिर से बता सकता हूँ। किस किस भाई को ये रूल समझ में आ गया, और कैसे कितने ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जिनको ये समझ में रूल नहीं आया, कमेंट कर दे मुझे। अच्छा एस मतलब डबल एस वाला एग्जाम्पल ही है, चलो डबल एस एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, जैसे ए डबल एस, एस मतलब होता है गधा, और इसका प्लूरल बनाना चाहे तो हो जाएंगे ए डबल एस ई। और कुछ एक्स वाला भी नहीं है ना, तो वाला भाई बच्चे बहुत समझदार हैं, जैसे एक्स वाला के लिए ले लो बॉक्स, तो हो जाएंगे बॉक्सेस। और कुछ है भाई, अरे साथियों एक्स वाला तो लिखे थे एग्जाम्पल, साथियों एक्स वाला का एग्जाम्पल था, एक्स वाला के एग्जाम्पल लिखे थे। चलो फिर वो समझ में आ गए ना, जो वर्ड एस एस एच डबल एस सी एच एक्स जेड से समाप्ति करे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। और एक केस हम लोग का ये राइज हुआ था कि अगर सी एच के उच्चारण क होगा तो हम लोग एस लगाएंगे, अगर सी एच के उच्चारण च होगा तो एस लगाएंगे। यहाँ तक किसी तक हो तो बताओ फिर आगे बढ़ा जाए। तो जल्दी से इसे स्क्रीन शॉट ले लो या कॉपी में स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, या तो इसे कॉपी में नोट डाउन, ठीक है, समझ गए। चलो जल्दी जल्दी कर लो साथियों, जल्दी, बहुत खूब बहुत खूब। हाँ जी एक चीज़ और समझ लो, देखो यहाँ पे आओ, बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं सर, एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं सर सर, मुझे बताओ ऑक्स में हम लोग ई एस नहीं लगाते, एक केस में जब ऑक्स का ऑक्सन करते हैं वहाँ पे तो उसका प्लूरल ऑक्सन होता है, तो याद रखना सिर्फ ऑक्स ही ऐसा वर्ड है उसमें हम लोग ई एस नहीं लगाते, उसमें हम हब यानी कि वॉवेल लेटर को चेंजिंग करते हैं। ऑक्स ही एक एक्स वाला एक ही यही वर्ड है जिसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस नहीं लगाते, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सीधा वर्ड में हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, ई एन लगा देते हैं, ऑक्शन से ये प्लूरल बन जाता है। अभी भी किसी भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, अब मेरे हिसाब से कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे हम अभी से रद्द करते हैं, आ जाइए। और साथियों एक चीज़ मैं बताऊँ, अपने दोस्तों को इस सेशन को रिकमेंडेड करो, उन्हें बताओ कि हाँ आप एक्चुअली बायलिंगुअल पढ़ाई होता है, सारे चीज़ कंसेप्ट आ जाते हैं बारीकी से, बहुत प्यार से, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें बताओगे तो वो यहाँ पे आएंगे और कुछ सीखेंगे, जब वो सीखेंगे तो आपके कहेंगे कि यस हमारे एक ऐसा दोस्त है जिन्होंने बताया कि मुझे बायलिंगुअल जहाँ पढ़ाई होता है, बायलिंगुअल का मतलब यह हुआ कि एक एक चीज़ बारीकी से बता, वो चीज़ें होता है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बताओ और इन सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखें, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और हमें भी एनर्जी मिलेगा कि हाँ हमारे सेशन में बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं और मुझे और मेहनत करना चाहिए इन सबों के लिए, और कुछ हमें इन्हें बताना चाहिए, समझ रहे हो ना। एक्चुअली बताना क्या चाह रहा, क्योंकि देखिए आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक जो आप रिस्पॉन्स करते हो हमारे लिए एक अमृत का समान, समझ रहे हो ना, आपकी हर एक चीज़, क्योंकि आप ही हो जो इस देश के लिए बहुत सारा कुछ करोगे, ठीक है।
ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ, उन्हें भी बताओ कि यहाँ पर हाँ इंग्लिश बढ़े तरीके से पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि समझ में आ रहे हो तब, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों को। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ, हाँ एक्चुअल में मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ, तब आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी जिसको आप जानते हो गए, उन्हें इस सेशन के बारे में भी हिचक आसानी से बता सकते, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ हम लोग रूल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ने की प्रयास करें। देखो ये रहा रूल नंबर थर्ड, हम लोग चलेंगे तो ठीक है। रूल तीसरा ये कहता है कि जब कोई सिंगुलर ना हो, इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस सी एन, एस मतलब सिंगुलर, सी मतलब काउंटेबल नाउन, क्या हो वाई से एंड करे, क्या करे वाई, वाई समझते हो ना, एबीसीडी में था, अब विश्वा का जस्ट पीछे वाला 25 नंबर जो लेटर होता वाई, इफ एनी एस सी एन एंडिंग एंडिंग विद वाई, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाई से समाप्ति करे, तब उसका प्लुरल बनाने के लिए, तब उसका हम लोग प्लुरल बनाने के लिए जो वाई होता है, जो वाई होता है उसे हम आई में कन्वर्ट कर देते, जो वाई होता है उसे आई में चेंज कर देते हैं और साथ में ई एस लगा देते हैं, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वाई को हटा करके हम लोग आई ई एस लगाते हैं, क्योंकि ये कहता है कि हम लोग वाई को आई में चेंज करेंगे ई एस लगाएंगे, उतनी बातों क्यों याद करें, हम सीधा बोल सकते हैं कि वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते, किस किस को ये कंसेप्ट समझ में आया, किस किस को नहीं आया। देखो यदि कोई सर काउंटेबल हो और वो वाई से समाप्ति करो, वाई से, तब उसका हम लोग प्लुरल बनाने के लिए आई प्लस, दोस्तों देखो हम लोग रूल थ्री फिर से समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो रूल थ्री ये कह रहा था, हमारा रूल थर्ड था कि जब कोई नाउन यानी कि एनी नाउन एंडिंग विद वाई, वाई तो 26 लेटर का जो हमारा अल्फाबेट होता है ना, तो जेड होता है, जेड से ठीक पहले जो वर्ड होता है वाई, अगर उस वर्ड से कोई कोई वर्ड समाप्त करे यानी कि कोई नाउन समाप्ति करे क्या चीज़ से, वाई से, हम उस वाई को क्या करते हैं, देखो समझो, इफ एनी वर्ड, इफ एनी वर्ड एंडिंग एंडिंग विद वाई, जब कोई यहाँ पे वर्ड की जगह पे क्या कर सकते हो साथियों, नाउन, क्योंकि हम लोग नाउन को ही तो प्लुरल बनाते हैं, नाउन को ही तो हम लोग सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कमेंट कर दो, सबकी कमेंट में देख रहा हूँ, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करो, बताओ ये समझ में आ रहा ना कि जब कोई वर्ड वाई से समाप्त करे, तब हम ये रूल कहता है हमारा जो ये वाई लेटर है तो हम आई में चेंज कर दें, हमारा बुक का रूल कहता है, हमारा जो ग्रामर का रूल कहता है, इफ एनी वर्ड एंडिंग विद वाई वाई देन वी हैव टू चेंज वाई इनटू आई, हम तब उस वाई आई जो वाई है उसको आई में हम लोग चेंज कर देंगे और उसका जो प्लुरल बनाने के लिए उसमें फिर हम लोग ई एस लगा देंगे, साथियों वाई को आई में चेंज करेंगे फिर यस, समझ रहे हो ना, जब कोई वर्ड वाई से समाप्ति, हिंदी भी लिखना पड़ेगा मुझे, बताओ साथियों आपके कमेंट, एक एक कमेंट देखो साथियों, एक तो मैं बहुत आप लोगों से भाई नाराज़ हूँ, भाई कुछ भी समझो, आप लोग तो पहले सेशन शेयर नहीं कर रहे हो, और साथियों पता है ना हम जो टीचर होते हैं ऑनलाइन टीचर, उनकी आपकी एक एक शेयर, एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप नहीं समझ रहे ना, हम लोग समझते हैं, तो आप इस चीज़ को करें, और हमारा जो काम है ना आपको कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारा काम है, ठीक है, इस चीज़ को फोकस करें, हमें क्या करना, वाई को आई में चेंज करना है, और जब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे, जब कोई वर्ड वाई से समाप्ति करे, तब प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को आई में बदलेंगे और फिर ई एस लगा देंगे, और इसको मैं सीधा सीधी अपनी भाषा में बोलूँ, सीधा वाई को क्या करूँ,
आई पी एस में चेंज कर दो। हम क्यों उतना रूल को झंझट करने चले, हम सीधा नहीं बोल सकते हैं जब कोई वर्ड वाई से एंडिंग करे तो हम वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे उस वर्ड को और आई एस लगा करके तो सिंगुलर से सिंगुलर बना देंगे। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल देख लो साथियों, लेडी क्या कर देंगे साथियों, यहाँ बताओ लेडी को क्या कर देंगे, अभी आपको रूल बताएं ना, अभी जस्ट बताएं। अरे साथियों इतनी तो दिमाग होगा आपके पास, कॉमन सेंस, हमने जस्ट बताया कि जब भी कोई नाउन वाई से समाप्त दिख जाए, समाप्ति करते यानी कि जो वर्ड वाई से समाप्त करता हो यानी कि जो लेटर वाई हो अगर वो वर्ड दिख जाए, अगर आप उसका चाहते हो सिंगुलर से प्लूरल बनाना, क्या चीज़ साथियों देखो सिंगुलर, सिंगुलर पता है ना सारी चीज़ बताया हूँ अभी, और फिर उसको सिंगुलर से हम लोग क्या चीज़ में करेंगे प्लूरल में कन्वर्ट करना करते हैं प्लूरल में। अब ये जो लेडी है तो हम इसको क्या करेंगे वाई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब वाई को हटा के क्या लगाना है आई, क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे ए ले डी आई, ठीक है लेडीज एल ए डी आई ई, क्योंकि आई ई एस किसके बदले में लगाए हैं वाई के बदले। कहाँ इसमें किस किस को दिक्कत हो रहा है बताओ जल्दी 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 बताओ साथियों, कमेंट करो, आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए पता है ना मुस्कान ला देती है चेहरे पे, समझ रहे हो ना साथियों। आ जाओ एक और एग्जांपल ले लो साथियों, दूसरा एग्जांपल हम लोगों का सिटी, सिटी में देखो यहाँ भी वाई है, सिटी मतलब होता है शहर, पता है ना आप सभी अलग अलग शहर से बिलोंग करते होंगे, कोई पटना से होगा, कोई प्रतापगढ़ से होगा, कोई अलीगढ़ से होगा, सभी कोई आप बहुत अलग अलग शहर से कोई बिलोंग कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दिया वाई, अब इसको प्लूरल बनाना है साथियों, सभी को कमेंट करके बताओ इसका प्लूरल क्या बनेगा, मैं तब तक सबका कमेंट ले जल्दी जल्दी करो, बहुत खूब गुड, बहुत सारे बच्चे अच्छे से जवाब दिए, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की उपलब्धि है कि हमने क्या किया वाई को आई ई एस में बदल दिया, जो वाई था हमको आई ई एस में बदल देंगे और वो प्लूरल फॉर्म। देखो अब बच्चे ये दिमाग में लाने इसको नहीं लिखेंगे, इसको तो लिखना पड़ेगा ना, हमें सिर्फ आपको बताया वाई को चेंज तो क्या हो जाएगा साथियों सी आई टी आई ई एस, ये वाई के बदले में हम लोग क्या लगा दिया आई ई एस लगा। जहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ साथियों बताओ फिर से समझो, यदि कोई नाउन वर्ड मतलब नाउन वाई से समाप्ति करे, हिंदी में चाहो तो आप लिख लो, यदि कोई नाउन जब वाई से समाप्ति करे तब उसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा करके आई ई एस लगा दें, भाई चाहो तो आई भी लिख सकते हो ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो तो उतनी देर कौन है, आजकल पता है ना शॉर्टकट का जमाना है, बहुत जल्दी लोग सोचते हैं मुझे काम, हम डायरेक्टली कहेंगे कि वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते हैं। जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करता हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा करके आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख लो इतने प्यार से साथियों, फिर कभी नहीं सीख पा, कहते ना ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, वही बात है साथियों। कमेंट करो सभी को जिस जिसने उतार लिया, इसकी आपके पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है साथियों, साथियों इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो इसके कुछ कंट्राडिक्शन समझो, हर जगह है ना सर, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल कहता है, रूल समझना क्या कहता है, यहाँ पे देखो रूल ये कहता है कि अगर वाई से समाप्ति करे, हमने तो सीखा तो वाई से समाप्ति करेगा तो हम यहाँ पे आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। जब ये वाई से समाप्ति करो कि कोई वर्ड समाप्ति करता है तो हम लोग आई ई एस लगाएंगे, लेकिन अब बताना यहाँ पे जैसे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ना एज, अब इसका प्लूरल बनाओ, क्या आप इसका प्लूरल बनाने के लिए डी ए आई ई एस करोगे क्या भाई, अभी तो रूल यहाँ पे फिर कट रहा है ना, यहाँ पे रूल आपका ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए खेलो ध्यान पूर्वक। और देखो साथियों 15-20 लड़के जुड़ते हो ना, पता ना आज मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था उस दिन, तो मैं बता दूँ सेशन 8 नंबर जिस दिन हम लोग का लेक्चर था ना, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ 20-22-23 मुश्किल से 25-26 हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ पाया था, बहुत ये बुरी बात थी, मैंने उस दिन कुछ बोला नहीं, आप समझ रहे हो ना मैंने कितना अंदर से, मैं उस दिन मैंने आज आपको बता रहा हूँ रिवील कर रहा हूँ अपनी बातें दिल की। तो ये डे जो लिखे बताओ यहाँ पे इसको आई ई एस में बदल दोगे, नहीं तब तो ये गलत हो जाएगा ना, तो रूल में फिर कुछ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। समझो जब ए वाई
वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले क्या होना चाहिए? अगर ये वाई, देखो यहाँ पे साथियों आ जाओ समझो, अगर ठीक वाई के पहले, मतलब वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, कॉन्सोनेंट लेटर हो, वाई के ठीक पहले क्या हो साथियों, कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, आई ई एस लगाएंगे। जब वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे देखो, जैसे जैसे देखो यहाँ पर लेडी, जो वाई था और वाई के ठीक पहले डी था, डी क्या था आपका, कॉन्सोनेंट था, इसलिए हम इसको आई ई एस में बदले। लेकिन सुनो, जब ये वाई हो, समझ ना, वाई हो और वाई के ठीक पहले वोवेल लेटर हो, क्या हो साथियों, वोवेल लेटर हो, लेटर वोवेल नहीं, वोवेल लेटर हो, ठीक है, इस वाई के ठीक पहले वोवेल लेटर हो, तो वहाँ पे हम लोग इस का प्रयोग करते हैं साथियों, एस लगाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, किस किस को आ रही है, किस किस को नहीं आ रहा है, बताओ। देखो यार इसका एग्जांपल भी देख लो, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे एस का यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस का यूज करेंगे, आई ई एस का यूज करेंगे, जब कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई के ठीक पहले बवेल हो तो एस का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे डे, अब देखो वाई के ठीक पहले क्या था, ई, अब आप ईमानदारी से बताओ डे का प्लूरल क्या हो जाएगा, आप ईमानदारी से कमेंट करो साथियों, कमेंट करके मुझे बताओ ईमानदारी से डे का हम लोग प्लूरल क्या बनेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने वो तंत्र, वो अस्त्र, सारे चीज परोस दिया, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, आप इसे कैसे करोगे, समझ रहे हो ना, आपकी बारी, अब बना करके मुझे दिखाओ, सारे बच्चे कमेंट करो भाई, एक दो बच्चे कमेंट करने से कुछ नहीं होंगे, सारे लड़के हमारे जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ना, क्रांति की तरह इसके कमेंट करके बताओ इसके आंसर क्या होगा। बहुत खूब अवंतिका, मनोज, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, और कौन है, अखिलेश नाम है भाई, क्या है, बहुत खूब, अच्छे अच्छे आंसर दिया आपने, इसका हो जाएगा आपका डेज, क्योंकि अभी आपको मैंने रूल जस्ट बताया है कि जब वाई के ठीक पहले कोई वोवेल लेटर है, वोवेल नहीं पता है, पहली वाली जो वीडियो बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर, वो जाकर के देखो, अगर आपको नहीं पता है, अगर सच में वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हो एकदम बाइलिंगुअल कनेक्ट करके, देन आपको जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ ना शुरू से देखो, ठीक है, आप समझो मैंने बताया क्या, कि वाई के ठीक पहले वोवेल हो तो एस लगाएंगे, अगर वाई के ठीक पहले कंसोनेंट हो तो आई ई एस लगाएंगे। इसका और एग्जाम्पल देखना चाहो, अब देखो वाई के ठीक पहले क्या था, वोवेल, तो क्या हो जाएगा, और बताओ, और बता दो, और कुछ एग्जांपल चाहते हो, और कुछ देख लो, सेव हो गया ना, आ जाओ यहाँ पे एस ए वाई, देखो वाई के ठीक पहले ए है, यानी कि वोवेल लेटर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा साथियों, चेंज हो जाएगा। अब बताओ किस किस को इस रूल में दिक्कत है, किस किस को रूल में दिक्कत है, बताओ बताओ साथियों, यहाँ पे किस किस को इस रूल में दिक्कत है, एक की वाला दिखाई नहीं दे रहा साथियों, अब हम यहाँ पे इसका ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो की वाला के ई वाई, इसका क्या हो जाएगा साथियों, के ई वाई एस, क्यों, क्योंकि वाई के ठीक पहले वोवेल लेटर था। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा भाई वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो साथियों बताओ, इसके आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो या तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये वाला रूल भाई समझना, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाओगे, अदरवाइज हम तो क्या, हमारे जैसा कोई भी टीचर आ जाए आपको कुछ भी कल्याण नहीं करवा सकते, समझ रहे हो ना, चलो नोट डाउन करो जल्दी 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 की, और देखो दोस्तों इस सेशन को शेयर करो, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, आ जाओ अब हम इसके थोड़ा सा और टर्म को आगे चलें, रूल नंबर फोर सीखेंगे, ठीक है, रूल नंबर फोर भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, ठीक है, एक एक चीज़ सीखते चलना, और क्योंकि एक एक चीज़ सीखते चलोगे ना फिर उसके बाद आपके इंग्लिश में चार चंद लगा सकते हो, क्या चीज़ साथियों, चार चंद लगा सकते हो, और बारीकी से बातों को, बहुत सारे बच्चे होते कहते हैं सर आप बहुत फास्ट बोल जाते हो, साथियों मैंने बहुत अपने आप इम्प्लीमेंट किया है, बहुत स्लो बोलूँ और आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि आप समझोगे आप तरक्की करोगे, आपकी तरक्की ही हमारी पहचान है, समझ रहे हो ना,
आपकी तरक्की ही हमारी पहचान। तो इसलिए आप इसे नोट डाउन करो और बढ़िया तरीके से इसको याद करो और फिर इसकी एक आपकी टेस्ट होगी और टेस्ट में सोचना अच्छे से अच्छे आप इसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट रूल कहता है, अगर कोई वर्ड यानी कि कोई नाउन को से समाप्ति के लेटर, देखो ना देखो रूल नंबर फोर कहता है, हमारा रूल फोर कहता है इफ एनी नाउन, नाउन मतलब कोई वर्ड, इफ एनी नाउन एंडिंग विद, कहता है जब कोई हमारा नाउन ओ से समाप्ति करे, क्या चीज से साथियों, ओ से, तब हम वहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ओ के बाद एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। अब इसे हिंदी में नोट डाउन कर लो, कहोगे साहब तो देखो हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम हो लग जाएंगे क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को इंग्लिश में नोट डाउन कर और तभी जाके सीख। बाय द वे मैं यहाँ पे हूँ आपको इसकी हिंदी बताने के लिए। देखो कहता ये रूल ये है, जब कोई शब्द यानी कि नाउन ओ से, ओ समझती हो ना, अरे साथ ही वोवेल लेटर में ओ आता है, ओ से समाप्ति करे, तब उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसके अंत में यानी कि अंत ओ के बाद एस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फिर तो समझो, यदि कोई नाउन ओ से समाप्ति करे तब उसका हम प्लूरल बनाने के लिए के अंत में एस लगाते हैं। समझ गए बताओ साथियों, किस किस ने समझा, किस किस, जल्दी जल्दी मुझे बताओ कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताओ साथियों, आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जल्दी जल्दी बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नाउन ओ से समाप्ति करे, समझ रहे हो ना, ओ समझते हो ना, और ओ से समाप्ति करे तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। जैसे देखो साथियों मैंगो, जैसे एग्जाम्पल लाइक मैंगो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, मैंगोज, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा साथियों, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। और बताओ, और बताओ अपने से एग्जाम्पल बताओ साथियों, और क्या क्या हो सकता है वो, और बताओ जल्दी बताओ। अरे साथियों इको, जैसे इको, ठीक है, इको का जब हम प्लूरल बनाएंगे, जैसे ही हमने ओ देखा, क्या देखा साथी, ओ, जैसे ही मैंने ओ देखा तो हम उसका प्लूरल क्या करेंगे, ईएस लगा करके हम बना देंगे, जैसे क्या हो जाएगा साथियों, ई सी एच ओ ई, क्या हो जाएगा साथियों, आपका इकोज हो जाएगा। बताओ किस किस को यहाँ तक दिक्कत हो रहा है, जब आपका मैंने बता दिया कि वर्ड के समाप्ति क्या ओ से, और ओ का हम लोग जब भी समाप्ति करें तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, यस लगा देते हैं। बताओ 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 किस किस को दिक्कत हो रहा है, इसका कुछ भाई एक्सेप्शन भी होता है वो भी बताऊंगा, बताओ किस किस को दिक्कत हो रहा है। अरे जैसे साथियों टोमेटो बोल सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं साथियों, टोमेटोज, मैंगोज, पोटैटोज, बहुत सारे वर्ड है साथियों आपको जिससे आप यस लगा करके बना सकते हो, समझ रहे हो ना, यस लगा करके बना सकते हो। बताओ अब इसके पीछे कुछ रूल है जो बताऊंगा आपको, जब भी कोई वर्ड ओ से समाप्ति हो तो हम उसका यस लगा करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ तक किस किस को दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा ना, यहाँ तक समझ में आ रहा ना साथियों आप सभी को, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ बताओ साथियों जल्दी, नहीं आ रहा है साथी। देखो जब ओ हो तो हम क्या करेंगे, यस लगा देंगे, लेकिन जैसे वाई का रूल था वैसे इसका भी रूल है, समझो यहाँ पे देखो, जब ओ, यहाँ पे लेटर मैंने लिखा ओ, अब देखो ओ के ठीक पहले वाला दो कंडीशन यहाँ भी अराइज होगा, जैसे हम इसका ठीक पहले वाला भी देखे थे। देखो रूल ये कहता है जो वर्ड हमारा ओ है, तो हमारा वर्ड कैसा थी, ओ है, ओ के ठीक पहले हमारा क्या हो, ओ के ठीक पहले एक लेटर वोवेल हो, क्या चीज साथियों बताओ साथियों, ओ के ठीक पहले क्या हो, वोवेल हो, ओ के ठीक पहले वोवेल हो, तब हम वहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए
सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन अगर ये रूल फिर कहता है कि ओ के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं। बताओ यहाँ पे किस किस कठोरा रूल समझ, ये जैसे वो रूल था ना वैसे सेम टू सेम भी है, कह रहे हैं कि ओ समाप्ति कह रहे हैं जनरल फॉर्म में तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन होता है। मैं एक्सेप्शन नहीं लिखवाऊंगा, एक्सेप्शन का रूल एंड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उनके साथ। वो एक्सेप्शन बता देने से आपके काम नहीं चलेंगे, इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, जो इसका रूल होता है, वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि बुकों में सिर्फ एक्सेप्शन दे के छोड़ दिए, लेकिन इसको जब आप डीपली अध्ययन करोगे तो इसमें कुछ मिलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि उसमें से कुछ चीज़ जो अनजान है, अभी तो कोई चीज़ पता नहीं लगा पाए, उसी को एक्सेप्शन में रख दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, फाइंड करोगे, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, देखो ओ के ठीक पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था, यहाँ भी ओ के पहले पढ़ा था कॉन्सोनेंट था, यहाँ भी पढ़ा तो ये कॉन्सोनेंट। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको मतलब ये फाइंड कर लोगे, एक्सेप्शन में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब धीरे धीरे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा दिन समय स्पेंड करोगे तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं होता, इसके पीछे भी रूल है। यहाँ भी मैंने हम लोगों ने और जो हमारे मतलब जहाँ से हम भी पढ़े लोगों ने फाइंड किया कि नहीं, ये जो वॉवेल ओ के पहले जो वॉवेल आता है वहाँ पे एस लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे बुकों में जैसे फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, पी एच ओ टी ओ एस, फोटो, फोटो को लेकर कहता है कि नहीं यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर लगा दो सिर्फ क्या लगा दो साथियों, एस लगा दो, फोटो जैसे आपका एस लगा दो, ठीक है। लेकिन समझना रूल ये कहता है, रूल यहाँ पे एक और कहता है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, जैसे म्यूजिक समझ रहे हो ना, वीडियो कैसियो, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना ओ के पहले वॉवेल हो, क्या हो साथियों, ओ के पहले वॉवेल हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं साथियों, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे देख लो वीडियो, वी आई डी ई ओ, देखो ओ है यहाँ पे, अभी दिख नहीं रहा आपको, ऊपर की ओर आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वीडियो, वी आई डी ई ओ, अब देखो ओ के ठीक पहले क्या है साथियों, ओ के ठीक पहले क्या है, यहाँ पे वॉवेल है। अब यहाँ पे आप ई एस मत लगा देना, यहाँ रूल समझ करके ई एस नहीं लगाओगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लगाओगे साथियों, वी आई डी ओ एस, यहाँ पे सिर्फ आप एस लगाओ, समझ रहे हो ना। देखो मैंने ये बताया, समझने का प्रयास करना, जब कोई डाउन ओ से समाप्ति करे तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे, लेकिन ये सारे चीज़ें हमने इसके एग्जांपल देखा, लेकिन रूल कहता है, इसका रूल कहता है सर कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम एस लगाते हैं, तो उस रूल को हम आपको ड्राइव करके ये बताया कि ओ के पहले वॉवेल हो, जो भी ऐसा नाउन हो ओ के ठीक पहले क्या वॉवेल हो तो हम उसके साथ एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा वीडियो, क्या लिखा एग्जाम्पल साथ ही वीडियो, देखो ओ के ठीक पहले क्या था, ई था, इसलिए हम इसके साथ एस लगाए हैं। लेकिन इसके देखो यहाँ पे ओ था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या था, कॉन्सोनेंट लेटर था जी, आपका एच भी क्या था, कॉन्सोनेंट था, टी भी क्या था, कॉन्सोनेंट था, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया था साथियों, ई एस का यूज किया था। अब बताओ यहाँ पे किस किस को दिक्कत हो रहा है, किस किस वगैरह कमेंट करके बताओ साथियों, जल्दी जल्दी सभी कोई कमेंट कर दो, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कर दो साथियों आप सभी जल्दी से बताओ, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर बताओ किस किस को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे स्कूल में, बताओ साथियों। मैंने ये बताया कि जब कोई नाउन ओ से समाप्ति करे उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस लगाते, प्लूरल बनाने के साथ ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो से मैंगोज किया, इको से इकोज किया, टमेटो से टमेटोज किया, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ तक, इसके बाद किसी और को दिक्कत हो रहा था बताओ, फिर बताओ। अरे यार इसका एग्जांपल बहुत सारा है यार, बता दो आपको, जैसे हो ले लो फोटो को ले लो, फोटो ठीक है, तो फोटोज भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोटो में आपको दिक्कत होगा क्योंकि फोटो क्या है, यंत्र से बनता है ना साथियों, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से फोटो बनाते हो ना, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से बनाते हो ना फोटो, तो देखो जो वीडियो भी होता है किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर करते हो, तो ये एक अलग पार्ट में आ जाता है, ठीक है, कि बहुत डिटेल्स कहानी है, तो आप यहाँ पर उलझ जाओगे, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक समझो कि ओ के ठीक पहले वॉवेल हो आप उसके साथ एस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है।
ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए ना कि जिसके साथ ओ लगा हो ई एस लगाएंगे, अगर ठीक उसके पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, अदरवाइज कंसोनेंट हो तो ई एस लगा देंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में इतने ही तक पूछे जाएंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है, समझ लो ये वाला पार्ट नहीं आता, लेकिन जानकारी के लिए याद रखो, कहीं बुक में मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना। इसे नोट डाउन करो साथियों फटाफट, जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन करो, और इसका कुछ मैं अभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे कितना चार रूल सीखा, और चार रूल का भी आपके सामने हम प्रैक्टिस करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि रूल पढ़ने से काम नहीं चलेंगे, क्योंकि रूल कहीं ना कहीं बुकों में बहुत सारे बुक इकट्ठा कर लोगे आपको रूल मिल जाएंगे, ठीक है। इन सभी रूल कहीं ना कहीं हल्का मुल्का आपको जहाँ ना मतलब किसी भी बुक उठा लोगे तीन चार पब्लिकेशन का, कहीं ना कहीं आपको ये सारे रूल आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जो आप इसका प्रैक्टिस करोगे वो प्रैक्टिस हर जगह नहीं मिलते, क्वेश्चन का लेवल जो करोगे वो हर जगह नहीं मिलते, और जो मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वो एक अलग यूनिक तरीका होगा, समझ रहे हो ना। मैं कुछ हम लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके फिर इसको हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं, आप मुझे बताना, जैसे मैं एक सेंटेंस रखता हूँ आपके सामने, बताना साथियों, ठीक है। पहला सेंटेंस ये हुआ हमारा, ठीक है साथियों, दूसरा सेंटेंस ये हुआ, दूसरा आपका है, चलो और एक और सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस लिख देते हैं, क्योंकि सारे रूल का सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो चार सेंटेंस है, पहला सेंटेंस करे बॉयज इज गुड, दूसरा सेंटेंस है बॉय इज गुड स्टूडेंट, तीसरा सेंटेंस है बॉय इज ए गुड स्टूडेंट, और चौथा सेंटेंस है बॉयज आर ए गुड। बताओ चारों में से जो आपका क्वेश्चन है कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ जल्दी, क्योंकि अभी आप नाउन भी पढ़ लिए हैं, नाउन में सिंगुलर से प्लुरल जो आपका जो रूल फर्स्ट था उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ इसमें से सेंटेंस कौन सा सही है, और सेंटेंस एक ही सही है, बाकी आपको देखने में सारे सही लगेंगे लेकिन है गलत, ग्रामर की दुनिया में गलत हैं लेकिन एक ही सेंटेंस सही है, आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से बता दो साथियों कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी बता दो साथियों, जल्दी देखो पहला कह रहा है बॉयज इज गुड, ये बॉयज जो है क्या साथियों प्लूरल फॉर्म में है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, हम लोग इसमें क्या किए हैं बॉयज से बॉयज बनाए हैं, जो रूल फर्स्ट हमने पढ़ाया था उसमें बताया था साथियों आपको इन 19% केस में 90% जो केस होते हैं उसमें हम सिंगुलर से प्लूरल सिर्फ और सिर्फ इस लगा के बना लेते हैं, 90% कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जब ये बॉय एक सिंगुलर था और मैंने सिंगुलर और प्लूरल में बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस बताया, जो संख्या में एक हो उसे सिंगुलर बोलते हैं, मोर देन वन हो उसे प्लूरल बोलते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखना जब मैंने बॉय से बॉयज़ किया तो प्लूरल हो गया ना, जब ये प्लूरल हो गया तो भारत भी प्लूरल लगना चाहिए था ना, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है इसके आपका सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस आपका क्या है साथियों गलत है, बताओ किस किस को समझ में आ रहा है किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, सभी कोई कमेंट करो जल्दी जल्दी बताओ। तो बॉयज आपका प्लूरल है क्योंकि हमने सिखाया था आपको बॉय का, हम लोग जब भी एच लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और जब वो प्लूरल हो गया वो प्लूरल भाव भी लेगा ना साथियों, समझ रहे हो ना, ठीक। दूसरा सेंटेंस कह रहा है बॉय इज गुड स्टूडेंट, मैंने एक चीज बताया था यहाँ पे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन होता है, और जब मैंने बताया था आपको नाउन चैप्टर में कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तब वो अपने साथ आर्टिकल लेता ही लेता है, समझ गए,
क्या बताया था साथियों, आर्टिकल लेता ही लेता है। तो बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस भी गलत होगा कि नहीं होगा? गलत होगा, लेकिन इन स्पोकन दुनिया मतलब आप जब बोलते हो तब सारे सेंटेंस मिला जुला के सही हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम के क्वेश्चन के जब सॉल्व करने बैठते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे एरर होते हैं, वो इस तरह से एक दुल्ट नहीं देते, या दो की जगह पर स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। उस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा जब हैवी लेवल के एग्जाम दोगे तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस तीन चार दे देंगे और उसमें से आपको वो एरर फाइंड करना होगा। यहाँ बताना दो नंबर पर सेंटेंस गलत हुए कि नहीं हुए, हो गए ना? आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, कह रहा बॉय इज ए गुड स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं आर्टिकल द नहीं लगाया क्योंकि मैं डिफिनेट नहीं करना चाहता, अगर चाहो तो यहाँ भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने किसी में नहीं लगाया था इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर द आर्टिकल चाहो तो लगा सकते हो डिफिनेट करने के लिए, लेकिन कोई इशू नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस को जो बीच में लिखते हो, जब वो नाउन हो, आर्टिकल लगता ही लगता है जब वो कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो। इसलिए ये सेंटेंस जो थर्ड नंबर है, बॉय इज ए गुड स्टूडेंट, लड़का एक अच्छा विद्यार्थी है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन था, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल आया है, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी सही है, मीनिंग भी सही है, तो इसलिए सेंटेंस ये सही है। अब आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अरे बॉय आर ए गुड। अब बताना, मैंने एक चीज़ बताया है कि जो आर्टिकल होता है आता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है साथियों, मुझे बताओ, अभी कोई पढ़ा है आर्टिकल? बताओ साथियों किसके लिए आता है, बता दो। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ साथियों नाउन के लिए आता है, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए आता है साथियों? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आता है, समझ रहे हो ना? वो बातें थी। ये जो आपका फोर्थ नंबर भी सेंटेंस क्या था साथियों, गलत था, ठीक है। अब आ दो जल्दी जल्दी, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ उसका सिंगुलर से प्लुरल करके आप लोग कमेंट करना जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, पहला वर्ड है बेंच, ठीक है। इसका जल्दी से प्लुरल करो कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट करके, क्योंकि अब टाइमिंग बहुत कम है साथियों, हम लोग का सेशन का भी टाइम हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है ऑक्स, इसका भी रूल बताया था साथियों। ले लो हमारा भी मैंने बताया, ले लो जैसे क्लास, फोर्थ नंबर में ले लो लेडी, और फाइव नंबर में ले लो वाय। अब जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ इसका प्लुरल क्या क्या बनाओगे, इस समय का प्लुरल फॉर्म क्या होगा, बेंच का प्लुरल क्या होगा, ऑक्स का प्लुरल क्या होगा, क्लास का प्लुरल क्या होगा, लेडी का प्लुरल फॉर्म क्या होगा, और बॉय का प्लुरल फॉर्म क्या होगा, इनके पीछे में कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट है वो सारी चीज़ बताओ। तो जल्दी जल्दी साथियों आप लोग कमेंट करके फटाफट कमेंट कर दो साथ, जल्दी जल्दी। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी बात, जल्दी जल्दी कमेंट करो साथियों। देखो जो पहला वर्ड है बेंच, मैंने सिखाया था डबल एस एस एक्स जेड सी एच, तो जब कोई वर्ड समाप्ति करता है, क्या बोला मैंने, एस डबल एस सी एच एक्स जेड, तो कोई वर्ड समाप्ति करता है तो उस प्लूरल बनाने के लिए साथियों आप उस अंतिम वाले वर्ड में क्या करते हो, एस लगा देते हो। बताओ यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, बेंचेज होगा कि नहीं होगा, आप एस लगाओगे कि नहीं, क्योंकि मैंने रूल बताया था, समझ गए? आ जाओ इसी के साथ में, यही वो रूल पे ये भी था, क्लास मैंने बताया एस डबल एस सी एच एक्स जेड, समझ रहे हो ना? सी एच में एक चीज़ बताया था मैंने, जब सी एच का उच्चारण क होगा सिर्फ एस लगेगा, जैसे मोनार्क बताया था साथियों, मोनार्क ये सारे जो वर्ड बताते हैं इसका उच्चारण च सी एच हो लेकिन उसका उच्चारण क होगा तो सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन सी एच का उच्चारण च हो तो ई एस लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे ई एस लगा हुआ था। साथियों आप कंसेप्ट याद करो, जो अभी शुरुआत में मैंने इस वीडियो में बताया वो कंसेप्ट याद करो। आ जाओ क्लास, जब क्लास के प्लुरल बनाने की कोशिश करोगे तो ये भी हो जाएगा क्लासेस, ठीक है साथियों। अब देखो ऑक्स का मैंने जल्दी बताया था आपको साथियों, ऑक्स क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जिसके अंत में एस एक्स लगा होता है, लेकिन इसका प्लुरल बनाने के लिए हम इसके बवे लेटर में चेंजिंग करते हैं, ये क्या हो जाएगा साथियों, ऑक्सेन। अब देखो लेडी भी पढ़ाया मैंने वाई वाला कंसेप्ट नंबर थ्री में, लेडी का जब भी वाई दिख जाए तो आई ई एस में चेंज कर देते हो, क्या हो जाएगा साथियों, लेडीज। और देखो बॉय, मैंने बताया था वाई के ठीक पहले बबेल हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, ये भी बताओ साथियों, बॉयज हुआ कि नहीं हुआ,
बताओ साथियों, इस सेशन से कुछ भी सीखे होगे, थोड़ा बहुत भी सीखे होगे ना, धुआं की तरह इस सेशन को फैलाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और अपने एक काम करना भाई, आपके घर में चार पांच भाई तो होंगे ही, अगल बगल में भाई होंगे ही ना, उन्हें बताओ कि इंग्लिश का सेक्शन चालू हो गया है और बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रट्टा रटाया कोई चीज़ें नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ों का आपको वो करके बताता हूँ, एक्सेप्शन को भी मैं यहाँ पे प्रूव करके बताता हूँ कि ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि बुकों में सिर्फ एक्सेप्शन लिख करके वो अपने जान छुड़ा लिए। मैं आपको जान नहीं छोड़ने की करो, आप उस कंसेप्ट को सीखो। तो बहुत सारे बुकों में सिर्फ कहते हैं ये एक्सेप्शन है, आप उस एक्सेप्शन की याद कर लेते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी सबकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम के लिए आप जाकर टेलीग्राम पर क्या करना, सर्च मारना PBR स्टडी, ठीक है। वहाँ पे जो लोगो दिख रहे हो वही लोगो दिखाई देगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना। और दूसरा काम ये करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैथ की क्लास सरजी पढ़ाते हैं उनकी भी क्लासेस को ज्वाइन करना आपको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए हमको विदा, हमें अपने दुआओं में याद करना, इस सेशन को सबके साथ शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।